अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ अली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो स्मार्टफोन का, जहां पर एक जो है हमारे पास इन्फिनिक्स का S5 Pro है और दूसरा जो है इन्फिनिक्स का Hot 9 है। अब अगर देखा जाए तो इन्फिनिक्स का S5 Pro जो है इसी महीने में जो है लॉन्च होने जा रहा है पाकिस्तानी मार्केट में, बहुत ही कम प्राइस यानी कि एग्रेसिव प्राइस में। तो जान लेते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन हमें जो है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे फीचर जो है प्रोवाइड करता है और यहाँ पर हमें किस स्मार्टफोन का वेट करना चाहिए। बात करेंगे इस वीडियो में, तमाम की तमाम जानकारी मिलने वाली है दोनों स्मार्टफोन के मुतालिक। आपने जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। लेकिन यार, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल टेक्निकल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम जो है आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देते रहते हैं। और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए यार, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिज़ाइन और डिस्प्ले वाइज। तो सबसे पहले हमारे पास जो है इन्फिनिक्स का S5 Pro आता है, जो कि बैक में हमें पॉली कार्बोनेट ही देता है। हमेशा की तरह प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, जहां पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, साथ में LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी रियर की जानब देखने को मिल जाता है। और डिज़ाइन जो है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिया गया है। हालांकि दिया तो यहाँ पर प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ग्लोसी फिनिश के साथ में आता है, जो कि एक अट्रैक्टिव लुक देता है इस स्मार्टफोन को। अगर यहाँ पर डिस्प्ले की बात करते चलें तो यह जो स्मार्टफोन है हमें 6.53 इंचेस वाला एक IPS LCD वाला पैनल जो है प्रोवाइड करता है, जो कि फुल HD प्लस यानी कि 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन के साथ में आता है। यहाँ पर बेजल्स भी काफ़ी कम दिए गए हैं और यहाँ पर चिन को भी कम कर दिया गया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स के Hot 9 की। तो बैक में हमें यह स्मार्टफोन जो है क्वाड कैमरा सेटअप देता है और यहाँ पर भी हमें जो है पॉली कार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक की बॉडी दी गई है और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। यहाँ पर हमें कैमरा के साथ में LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी रेयर की जानब देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी डिसेंट दिया गया है और जो कैमरा मॉड्यूल है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है और यहाँ पर एक अच्छा लुक देता है इस स्मार्टफोन को। यहाँ पर बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो यह जो स्मार्टफोन है हमें 6.6 इंच वाला एक IPS LCD वाला पैनल जो है प्रोवाइड करता है, जो कि पंच होल डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 720 पिक्सल यानी कि HD प्लस की रेजोल्यूशन के साथ में आता है। और यहाँ पर भी हमें जो है बेजल काफ़ी कम देखने को मिल जाएंगे और चिन को भी कम कर दिया गया है। तो ये जो डिस्प्ले है एक एवरेज डिस्प्ले रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के वेरियंट्स की। तो जो इन्फिनिक्स का Hot 9 है वो आने वाला है 4GB के साथ 128GB की वेरिएंट के साथ में, जहां पर माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अगर बात कर लें इन्फिनिक्स के S5 Pro की, तो दो वेरिएंट में आता है जिनकी दोनों की प्राइस अलग अलग रखी गई है, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं इसके बेस वेरियंट, जो कि 4GB के साथ 64GB वाले वेरियंट के साथ में आता है, विद माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन भी साथ में दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी की। यहाँ पर कैमरा कैसा दिया गया है, जो इन्फिनिक्स का Hot 9 है बैक में हमें क्वाड कैमरा देता है, जहाँ पर 16+8+2+1 QVGA सेंसर दिया गया है और यहाँ पर हमें जो है वाइड एंगल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात कर लें तो यह जो स्मार्टफोन है हमें 8 MP का इन डिस्प्ले यानी कि पंच होल कैमरा प्रोवाइड करने वाला है। और अगर यहाँ पर इन्फिनिक्स के S5 Pro की बात कर ली जाए, तो यह जो स्मार्टफोन है हमें बैक में ट्रिपल कैमरा देता है, जहाँ पर 48 MP का मेन सेंसर दिया गया है, साथ में 8 MP का सेकेंडरी कैमरा और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट में यहाँ पर बताया गया है कि यह जो स्मार्टफोन है 40 MP की जो है सेल्फी प्रोवाइड करने वाला है, जो कि पॉपअप मैकेनिज्म के साथ में आता है, यानी कि हमें जो है पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स का S5 Pro और इन्फिनिक्स का Hot 9 जो हमें सेम ही चिपसेट प्रोवाइड करते हैं, जो कि MediaTek Helio P35 के साथ में आने वाले हैं, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस इतना खास अच्छा नहीं देखने को मिलेगा अगर आप हैवी गेम्स खेलते हैं। OS और UI को देखा जाए तो जो दोनों स्मार्टफोन हैं वो हमें Android 10 के सपोर्ट के साथ में देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर दोनों स्मार्टफोन UI जो है X6 देते हैं। बैटरी कैपेसिटी के हवाले से देखा जाए तो जो इन्फिनिक्स का S5 Pro है वो हमें प्रोवाइड करता है 4000 mAh की नॉर्मल बैटरी, और यहाँ पर इन्फिनिक्स का जो Hot 9 है वो हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी प्रोवाइड करता है। और हाँ, यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में हमें जो है फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन हमें माइक्रो USB की कनेक्टिविटी देते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिया गया है और डेडिकेटेड स्लॉट दिया जाएगा दोनों स्मार्टफोन में। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन तो बता दिए हैं, प्राइसिंग बात कर लेते हैं। जो इन्फिनिक्स का S5 Pro है, जो कि बेस वेरिएंट के साथ में आने वाला है, उसकी प्राइस जो है पाकिस्तानी मार्केट में रखी जाएगी 23,000 रुपये। और अगर यहाँ पर इन्फिनिक्स Hot 9 की बात कर लें, तो ये जो स्मार्टफोन है
है पाकिस्तानी मार्केट के मुताबिक रखा जाएगा 19,500 रुपए की प्राइस में। तो यहाँ पर प्राइस का डिफरेंस तो इतना आने वाला है, और अगर यहाँ पर स्पेक्स कंपेयर किया जाए तो मुझे जो है इन्फिनिक्स का S5 Pro कैमरा क्वालिटी के लिहाज से बेस्ट लगा है, क्योंकि यहाँ पर एक बैक का कैमरा और फ्रंट का कैमरा तगड़ा दिया जा रहा है, और ऊपर से ये जो है एक पॉपअप सेल्फी कैमरा है। तो यहाँ पर प्राइस का इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं रहने वाला। अगर आपका बजट जो है 23,000 या फिर 25,000 है तो ये आप ले सकते हैं। अगर आपका बजट जो है 20,000 से कम है तो आप जो है इन्फिनिक्स Hot 9 को जो है कंसीडर जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम जो है आपके लिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।